हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ प्रीति और स्वागत है आप सभी का मेरी इस चैनल पे। आज इस चैनल पे होने वाला है अलग टॉपिक पे डिस्कशन। जी हाँ, आपने थंबनेल देखा होगा, मैं आज बात करने वाली हूँ 40 प्लस वुमेंस की कपड़ों के सिलेक्शन के बारे में, कि उनको क्या पहनना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, इस टाइप की चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि उनके एज ग्रुप में कपड़ों को लेकर जो भी कन्फ्यूजन रहता है, डाउट होता है, वो मैं पूरी कोशिश करूँगी इस वीडियो में कवर करने की। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो हेल्पफुल लगता है तो शेयर भी ज़रूर कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं साड़ियों को लेकर। जो 40 प्लस एज ग्रुप में साड़ियाँ पहनती है वुमेंस, ज़्यादातर वुमेंस हाउसवाइफ होममेकर ही होती है, तो यदि आप साड़ियाँ पहनती है, घर में साड़ियाँ पहन रही है, तो कुछ भी चल सकता है, जैसे कि जॉर्जेट, सिफॉन या आपको जिसमें कंफर्टेबल फील हो। जनरली वुमेंस क्या है, जॉर्जेट और सिफॉन ही पहनना प्रीफर करती है क्योंकि उससे कंफर्टेबल साड़ी तो नहीं होती है। तो यदि आप घर में ये पहन रही है तो ओके, कोई बात नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है, कंफर्टेबल रहना चाहिए हमें हर एज ग्रुप में, मैं तो यही कहूँगी, तो आप बिल्कुल उसे वेयर कर सकती है। बट जैसे आपको बाहर जाना है, पार्टीज़ है, कुछ भी आप बाहर अटेंड करना चाहते हैं, तो लाइट फैब्रिक की साड़ियों को सिलेक्शन हमें करना चाहिए। जैसे लिनन है, सॉफ्ट कॉटन है, सॉफ्ट ऑर्गेन्जा, मतलब सॉफ्ट टाइप की जो मटेरियल की कपड़े होती है, उस टाइप के कपड़ों का सिलेक्शन, साड़ियों का सिलेक्शन आप करें और वैसे आप पहन कर जाएं। और फ्री पल्ला ले रहे हैं या हाफ पल्ला ले रहे हैं, आपको जैसा अच्छा लग रहा है, वैसे ये दोनों ही बहुत बेस्ट ऑप्शन है 40 प्लस एज ग्रुप के लिए। तो आप इस टाइप का वेयर करके जा सकते हैं। आपको कंफर्टेबल रहना है, आप इस टाइप के कपड़ों का सिलेक्शन करें, लाइट फैब्रिक के कपड़ों का सिलेक्शन करें, लाइट साड़ियाँ ही सिलेक्शन करें। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कलर की। तो कलर में मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा लाइट कलर के कपड़े पहने। लाइट मीन जैसे लाइट पर्पल हो गया, लाइट ग्रीन है, लाइट पिंक है, जो आई सूदिंग कलर होते हैं, लाइट कलर होते हैं, आप इस टाइप के लाइट कलर का कपड़ों का सिलेक्शन करें। ज़्यादा तड़क भड़क मल्टी कलर के कपड़े जो होते हैं, जिस टाइप के चमकीले टाइप के, इस टाइप के कपड़ों का सिलेक्शन बिल्कुल ना करें। आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है, जो फैशन चल रहा है, इन चीज़ों को फॉलो ना करें। आप हमेशा सिंपल और सोबर रहें। 40 प्लस एज ग्रुप के लिए यही अच्छी बात होती है कि आपको हमेशा सिंपल और सोबर रहना है, फैशन के पीछे नहीं भागना है, आपको अपना एक अपीरियंस अलग देना होता है, तो आप उसी हिसाब से कपड़ों और कलर्स का चूज़ करें। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं कुर्ता कुर्तीज़ की, आप किस तरीके का कुर्ता वियर करें या किस तरीके का कुर्तीज़ लें। यदि आप घर में या बाहर में कुर्ता वियर करते हैं, सिल्क का कुर्ता वियर कर सकते हैं, सिल्क का सलवार कमीज़ ले सकते हैं, कॉटन का कुर्ता ले सकते हैं। हमेशा लूज़ फिटिंग के कपड़े पहने, ज़्यादा टाइट फिटिंग वाले कपड़े ना पहने, लूज़ हो, कंफर्टेबल हो, इस टाइप के कपड़े को प्रेफरेंस पहले दें। इससे आपका अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा अच्छे से आएगा, तो इस टाइप के कपड़ों का सिलेक्शन आपको करना है। देन नेक्स्ट मैं बात करूँगी, ध्यान रखें कि कुर्ता या कुर्ती जो भी आप वेयर कर रहे हैं, उसका जो कलर हो वो हमेशा सिंगल कलर में हो या फिर ज़्यादा से ज़्यादा डबल कलर में। सिंगल या डबल कलर का कहने का मतलब है, जैसे कि हम सलवार कमीज पहन रहे हैं तो वो सिंगल कलर में हो, और वो जो उसका दुपट्टा हो वो डिफरेंट कलर का हो, या तो फिर सिर्फ सलवार कमीज पहन रहे हो तो उसमें एक या दो कलर ही ऐड हो, उससे ज़्यादा कोई कलर या मल्टी कलर टाइप के आपके कपड़ों में बहुत सारे कलर ना हो। सिंगल कलर हो, डबल कलर हो, उससे ज़्यादा बहुत सारे कलर आपके कपड़ों में नहीं होना चाहिए। एक सिंपल सा सिंगल कलर का कपड़ा हो तो बहुत बेस्ट ऑप्शन होता है इस एज ग्रुप के लिए। यदि आप जीन्स पहनना पसंद करते हैं, आपको जीन्स पहनना अच्छा लगता है, या फिर आप जीन्स पहनते हैं तो शॉर्ट कुर्ता पहन सकते हैं, कॉटन के कुर्ता पहन सकते हैं। और एक चीज़, जैसे कि आप सलवार कमीज पहन रहे हैं, उसके साथ आप हैंडलूम प्रिंट का दुपट्टा ले, इस टाइप के जो हैंडलूम प्रिंटेड होते हैं उनके जो दुपट्टे होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो इस टाइप का एक दुपट्टा तो आपके पास होना ही चाहिए। सिंपल सा सलवार कमीज में एक दुपट्टा डाल लेने से काफी हद तक कपड़ों में जान आ जाती है, तो आपके पास डेफिनेटली इस टाइप का एक दुपट्टा जरूर ले। प्रिंटिंग की बात करते हैं, अजरक प्रिंट, बाटिक प्रिंट, डाबू प्रिंट, इस टाइप के जो प्रिंट होते हैं, हमारे हैंडलूम प्रिंट होते हैं, इस टाइप का एक प्रिंट का दुपट्टा ले सकते हैं, जो आपके सिंपल से सलवार कमीज में बहुत अच्छा लुक्स दे सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं ऑर्नामेंट्स की, अपने ज्वेलरीज की। यदि पार्टीज वगैरह में जाना है तो आप ज्यादा हैवी ज्वेलरीज वगैरह पहनने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा यदि आप डायमंड कैरी करते हैं, डायमंड पहनते हैं, आपके पास डायमंड है तो आप डायमंड कैरी कर सकते हैं, आप पर्ल कैरी कर सकते हैं, इस टाइप की जो सिंपल सी चीज़ें होती है जो ज़्यादा हैवी नहीं लगती, इस टाइप की आप ज्वेलरी कैरी कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत बेस्ट और सिंपल ऑप्शन है कि आप सिंपल सिंपल चीज़ें जो ज़्यादा दिखे नहीं, ज़्यादा हाईलाइट ना हो, इस टाइप की चीज़ें कैरी कर सकते हैं, इस टाइप की ज्वेलरीज पहन सकते हैं, ब्रेसलेट ले सकते हैं, एक सिंपल सा वॉच पहन सकते हैं, हमारे ज्वेलरीज के लिए इनफ होता है। देन नेक्स्ट बात करते हैं हील्स की, फ्लैट्स की। देखिए, इस एज ग्रुप में ज़्यादा हाई हील्स वगैरह कंफर्टेबल नहीं होता, कुछ ना कुछ किसी ना किसी को कुछ प्रॉब्लम्स होती है, या इस टाइप की प्रॉब्लम परेशानियां हो सकती है, तो अवॉइड करना है आपको हील्स को। हमेशा फ्लैट हील्स या प्लेन टाइप की जो स्लीपर्स होती है, जो कंफर्टेबल होती है, उस टाइप के ऑप्शन में आप जा सकते हैं, तो हमेशा
प्लेन फ्लैट सी आप हील्स पहने जो कि भी काफ़ी कंफर्टेबल हो। देन नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्ब्रॉयडरी की। कोई भी कपड़ा लें, यदि आप साड़ी ले रहे हैं, आप कुर्ता ले रहे हैं, सूट ले रहे हैं, तो ध्यान ये रखें कि उसमें ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी ना हो, एकदम भरा भरा ना हो। कोई कपड़ा पसंद कर रहे हैं उसमें नेक में एम्ब्रॉयडरी है, हैंड्स में एम्ब्रॉयडरी है, पूरे सूट में एम्ब्रॉयडरी है, इस टाइप के कपड़े ना ले। सिर्फ नेक में एम्ब्रॉयडरी होना चाहिए या फिर सिर्फ स्लीव्स में या हैंड्स में एम्ब्रॉयडरी हो, इस टाइप के एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहने। ज़्यादा भरा भरा एम्ब्रॉयडरी वाला कपड़ा ना पहने, अवॉइड करें ऐसे टाइप की कपड़ों को। और एक चीज़, हमेशा आपको सॉलिड कपड़ा पहनना है। सॉलिड मीन्स जो एक कलर के होते हैं, जो ड्रेसेस सूट होते हैं, सॉलिड ड्रेस या सॉलिड सूट यदि आप सर्च करेंगे तो आपको दिख जाएंगे कि किस टाइप के सॉलिड सूट होते हैं। साथ में आप पिक्चर भी देख रहे होंगे, तो इस टाइप के आपको सॉलिड कपड़े ही वेयर करने हैं। और यदि आप प्लस साइज हैं, प्लस साइज मीन एक्सेल डबल एक्सेल हैं, तो आप सॉलिड मत पहनिए, सॉलिड अवॉइड करिए। आप प्रिंटेड पहनिए, जो छोटे छोटे बारीक प्रिंट होते हैं, चाहे कॉटन हो चाहे रेयन हो, आप उस टाइप के कपड़ों का सिलेक्शन करें। उससे क्या होता है, एक इल्यूजन क्रिएट होता है, आप उसमें थोड़े पतले दिखाई देते हैं। तो हमेशा छोटे छोटे प्रिंट वाले कपड़ों का चूज़ करें, ज़्यादा बड़े बड़े प्रिंट के कपड़े ना लें। इससे क्या होता है कि प्लस साइज़ वालों के लिए और ज़्यादा मोटापा क्रिएट होता है, इससे और ज़्यादा मोटे मोटे और फैले हुए लगते हैं। तो इस टाइप के कपड़े का सिलेक्शन ना करें। आप चाहें तो लखनवी सूट ले सकते हैं, लखनवी सूट बेस्ट होते हैं, इस एज ग्रुप के लिए बहुत सही लगते हैं। पूरा लखनवी सूट भी आप ले सकते हैं, ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है आप लोगों के लिए। या फिर जो मैंने इस टाइप का पहना हुआ है, जो सिंपल सा आजकल चिकनकारी का कुर्ता चल रहा है, प्लेन सा रहता है, लाइट वेट रहता है, इस टाइप के आप कपड़ों का सिलेक्शन कर सकते हैं। और एक चीज़, हमेशा जो है इसके जो प्रिंटेड और एम्ब्रॉयडरी पर मैं बात करना चाहूँगी, जैसे कि इस कपड़े में जो इसकी एम्ब्रॉयडरी दिख रही है कलर के साथ बिल्कुल मैच हो गई है, नज़र नहीं आ रही है कि उसमें कौन से कलर या एकदम उभरा कलर का इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं है। जैसे कपड़े जो है उसमें, जैसे मैं बात करूं, एक हम फैब्रिक लेते हैं उसमें सेम कलर का एम्ब्रॉयडरी होता है या सेम कलर के जो धागे का वर्क होता है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं, इसमें एकदम लाइट कलर के जो धागे का वर्क है इस कपड़े में उतना उभर के नहीं आ रहा है। आप इस टाइप के कपड़ों का सिलेक्शन कर सकते हैं, आप इस टाइप के कपड़े भी ले सकते हैं। देन नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हम सिंगल कुर्ता ले रहे हैं तो उसके नीचे बॉटम में क्या वियर करें। तो आजकल जो ट्रेंड में है, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि 40 प्लस एज ग्रुप, आप हमेशा प्लाजो टाइप के जो कपड़े होते हैं ना, प्लाजो टाइप के जो बॉटम्स होते हैं, आप उसे वेयर करें। प्लाजो और कुर्ता का कॉम्बिनेशन जो है वो बहुत अच्छा है। दोनों लाइट कलर चूज़ करें, वाइट, गोल्ड, बेज कलर, इस टाइप का जो कलर है, लाइट कलर के सिलेक्शन में आप जाएं, इस टाइप के लाइट कलर के कपड़े पहने, प्लाजो चूज़ करें। या आजकल स्ट्रेट पैंट चल रहा है, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगी कि ज़्यादा टाइट फिटिंग वाले कपड़े, या जैसे टाइट फिटिंग की लेगीज है, या पैंट एकदम जो सिगरेट पैंट होते हैं ना, इस टाइप के पैंट बिल्कुल भी वेयर ना करें। जो थोड़े लूज से पैंट्स होते हैं या प्लाजोज हैं, इस टाइप के आप प्लाजो या पैंट जो है लूज टाइप के अपने कुर्ता के साथ वियर करें, बहुत अच्छा और बहुत अच्छा अपीरियंस देगा आपकी बॉडी टाइप के लिए। या भी आपका बॉडी टाइप है, इस एज ग्रुप के लिए बहुत बेस्ट है कुर्ता और प्लाजो सेट। तो ये सारे चीज़ जो है मैंने कवर करने की कोशिश की है 40 to 50+ एज ग्रुप के लिए। कोई भी और कन्फ्यूजन होगा या डाउट होगा तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। इसी टाइप के आपको वीडियोस आगे भी देखने मिलते रहेंगे, तो मेरे साथ बने रहिएगा, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।